ये केजिंग है, इस केजिंग में जो लॉन्गिट्यूडनल बार है उसको सर्कुलेट किया है स्पाइरल बार ने, उसी स्पाइरल बार का मैं आपको लेंथ निकालना सिखाऊंगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आया हूँ आप लोगों को बताने के लिए BBS का ही एक फंडा है, वो चीज़ मैं आज आपको बताऊंगा। कटिंग लेंथ ऑफ स्पाइरल फॉर पाइल केजिंग, आपको पता होगा अगर आप सिविल इंजीनियरिंग कंप्लीट किए होगे तो, अगर फाउंडेशन सपोज कोई पाइल कर रहे हैं हम लोग, उसके अंदर हम लोग केजिंग डालते हैं रेइंफोर्समेंट, तो ये एक है मेरा। हाँ, सबसे पहले मैं ये बात बता दूँ, अगर आपको मेरी वीडियो बनाई हुई अच्छी लग रही है तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे हेल्प करें, लिंक दिया हुआ है देख लीजिए, प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और मुझे और आगे बढ़ने में मदद कीजिए, ठीक है। तो ये है एक सेक्शन प्लान सर्कुलर पाइल का, ठीक है। आप लोग देखे होंगे पाइल का रेइंफोर्समेंट किस तरह से होता है, ठीक है। ये है लॉन्गिट्यूडनल बार, जिसे हम एलिवेशन सेक्शन एलिवेशन में दिखाएंगे, तो ये बार है, ये और ये है मेरा स्पाइरल, मतलब ये ऐसे गोल गोल घूमते हुए जो जाता है, ठीक है। ये पोर्शन डॉटेड है, मतलब पीछे है, वो दिखाई नहीं देगा इधर से। तो ये है मेरा सेक्शन, ठीक है। ये है मेरा कवर, इसे बोलते हैं स्पाइरल बार, इसे बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल बार, और ये है मेरा पिच, ठीक है, या कह लो स्पेसिंग, ठीक है। हम लोग यही निकालेंगे कि ये स्पाइरल जो है इसका कटिंग लेंथ कितना होगा। अगर कोई बोल दे निकालने तो कैसे आप निकालोगे, वो मैं आज आपको बताऊंगा, ठीक है। आज मैं दो चीज़ सीखूंगा, पहली, और हाँ ये तरीका मैं आप लोगों को दो तरीके से समझाऊंगा, ये मैं फर्स्ट ऑल्टरनेटिव दिखा रहा हूँ, ठीक है। पहला सीखेंगे कटिंग लेंथ निकालना, मतलब 20 मीटर का सपोज स्पाइरल है तो उसके अंदर जो स्पाइरल बार आएगा, स्पाइरल स्टीरअप जो आएगा, उसका कटिंग लेंथ कितना होगा, और क्वांटिटी ऑफ स्टील, मतलब कितने केजी, कितने ग्राम लगेंगे, वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ये निकालने के लिए सबसे पहले कुछ गिवन होना चाहिए सम्स में, तो गिवन में क्या क्या रहना चाहिए बताता हूँ। सबसे पहले डायमीटर ऑफ पाइल, डायमीटर ऑफ पाइल, ये मेरा पाइल है, इस पाइल का डायमीटर हमें पता होना चाहिए, ठीक है। नंबर बी, हमें लेंथ ऑफ पाइल पता होना चाहिए, पाइल कितने मीटर लंबी है वो, ठीक है, ये पाइल जो है ये कितने मीटर लंबी है, और डेप्थ ऑफ पाइल। नंबर सी, पिच ऑफ स्पाइरल्स, पिच ऑफ स्पाइरल्स, और कह लो स्पेसिंग, स्पेसिंग ऑफ स्पाइरल्स। ये रहा पिच, ठीक है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो कितना है, ठीक है। हम लोग बीम में अगर स्टीरअप डालते हैं तो बताते हैं ना स्पेसिंग, इतने इतने पे स्पेसिंग पे स्टीरअप डालो, वही सेम चीज़ है, कितने कितने पे ये बेंड होने वाला है। और नंबर डी, डाया ऑफ स्पाइरल बार, ये जो स्पाइरल है इसका डाया कितना होगा, वो क्वांटिटी निकालने में काम आएगा। चलो मैं सॉल्यूशन दिखाता हूँ, ठीक है। चलो कुछ एज्यूम कर लेते हैं, डाया ऑफ मीटर पाइल को 1.5 मीटर, लेंथ ऑफ पाइल को एज्यूम करते हैं 20 मीटर,
पिच ऑफ स्पाइरल, मतलब ये स्पेसिंग को हम लोग एज्यूम करते हैं 100 मिलीमीटर और 0.1 मीटर। मैंने कहा था ना यूनिट हमेशा सेम रखूँगा, वही मिलीमीटर कन्वर्ट किए 1000 से डिवाइड करके मीटर में। और डायमीटर, डायमीटर ऑफ स्पाइरल बार को हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कितना, चलो 12 का रॉड मान लेता हूँ, 12 mm, ठीक है। और एक चीज़ है, मुझे लगेगा कॉन्क्रीट कवर, ये मैं कितना लेता हूँ, चलो कवर को मैं मान लेता हूँ 50 मिलीमीटर, इसको कन्वर्ट कर लो मीटर में तो क्या होगा, 1000 से डिवाइड करो आएगा 0.05 मीटर। चलो सॉल्यूशन, ठीक है। सबसे पहले मुझे यहाँ पे दिया हुआ है डायमीटर ऑफ पाइल, मतलब पाइल का डायमीटर दिया हुआ है पूरा इस एंड से लेके इस एंड तक, यहाँ से यहाँ तक का। लेकिन मुझे स्पाइरल का निकालना है ना कटिंग लेंथ, तो मुझे ये लेंथ चाहिए होगा, मतलब स्पाइरल का जो डाया है वो चाहिए। तो कैसे निकलेगा, टोटल जो डाया है पाइल का अगर मैं कवर माइनस कर दूँ दोनों साइड से तो मुझे ये लेंथ मिल जाएगा, ठीक है। वही करते हैं, कंप्यूट द डाया ऑफ स्पाइरल इन केजिंग, इसे नेट डाया बोलते हैं, ठीक है। कैसे निकलेगा, टोटल कितना है 1.5 मीटर, माइनस क्या करना है 50 इधर से 50 इधर से, मतलब 2 × 0.05, ये कितना आएगा 1.4 मीटर, ठीक है। ये हो गया मेरा नेट डायमीटर ऑफ केजिंग। अब निकालेंगे सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस ऑफ वन स्पाइरल। चलो ऊपर से अगर हम देखें सेक्शन में, अगर देखें तो ये तो ऐसे ऐसे जा रहा है, मतलब गोल घूमता हुआ जा रहा है। अगर सेक्शन प्लान में देखेंगे तो ये ऐसे दिखेगा, इसका मुझे निकालना है क्या सर्कमफेरेंस। तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई डी, ठीक है। पाई का वैल्यू होता है 3.1416 इंटू डाया, डाया ऑफ इसका कितना भी हम लोग निकाले थे 1.4, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 4.4 मीटर, ठीक है। अब हम निकालेंगे टोटल नंबर ऑफ पिच और स्पेसिंग, मतलब हम लोग को तो बता दिया गया स्पेसिंग है, मतलब ये हुआ एक टर्न, ये हुआ सेकेंड टर्न, मतलब पहला टर्न कितने कितने पे आ रहा है 100 पे, मतलब यहाँ से यहाँ आया तो ये कितना आया 100, फिर यहाँ से जब यहाँ तक आया तो ये कितना हुआ 100। तो ऐसे ही हम लोग को देखना है टोटल कितना पिच आ रहा है टोटल पाइल में, ठीक है। नंबर ऑफ स्पाइरल्स, ये है मेरा एक स्पाइरल, तो टोटल 20 मीटर लंबा पाइल में ये टोटल कितना स्पाइरल आएगा वो मैं निकालूंगा, ठीक है। बहुत इजी है, स्पेसिंग का फॉर्मूला जानते हो आप, पाइल का डेप्थ कितना है 20 मीटर मैंने बताया है लेंथ ऑफ पाइल, 20 डिवाइडेड बाय स्पेसिंग, ठीक है। और कह लो पिच कितना है, पिच 0.1 मीटर, 0.1, और ऑलवेज इसमें ऐड करोगे 1, ये स्पेसिंग का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो ये आएगा मेरा कितना 201 नंबर्स,
देख लेना, ठीक है। अब निकालते हैं टोटल कटिंग लेंथ, टोटल कटिंग लेंथ, ठीक है, बहुत आसान है। जो सरकमफेरेंस निकाले थे, ठीक है, सरकमफेरेंस ऑफ वन स्पाइरल इनटू नंबर ऑफ स्पाइरल, सरकमफेरेंस कितना निकला था, 4.4, यहाँ देख लो 4.4 इंटू नंबर ऑफ स्पाइरल में कितना निकला है, 201। इसको करेंगे तो सॉल्यूशन आएगा मेरा 884.4 मीटर, ठीक है। ये मेरा हुआ टोटल कटिंग लेंथ, मतलब 20 मीटर पाइल के लिए मुझे इतना मीटर लंबा स्पाइरल को काटना होगा, तब जाके वो पूरा टॉप से लेके घूमते 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 20 मीटर नीचे तक आएगा, ठीक है। अब मैं बताता हूँ क्वांटिटी निकालना। सॉरी, क्वांटिटी मतलब 884.4 मीटर जो लंबा कटिंग लेंथ है मेरा, उसको अगर वेट, उसका अगर वेट निकालेंगे तो वो कितना केजी आएगा। डाया क्या था, मैंने डाया अज्यूम किया था स्पाइरल का कितना, 12 mm। हमें एक चीज़ जानना होगा, फॉर वन रनिंग मीटर द वेट ऑफ 12 mm डाया बार इज 0.888 kg, ठीक है, ये याद रखना ऑलवेज। या कह लो यूनिट लेंथ ऑफ 12 mm डाया बार, सॉरी यूनिट लेंथ होगा, यूनिट वेट होगा, वेट, ये तो हम वेट मेजर कर रहे हैं। यूनिट वेट ऑफ 12 mm डाया बार होता है 0.888 kg। ये कहाँ से आया, तो मैंने आपको पिछले फॉर्मूला में बताया था, डी स्क्वायर बाई 162 फॉर्मूला है। डाया कितना है, 12 इंटू 12 बाई 162 और करेंगे तो ये आएगा 1888, ठीक है, ये याद रखना। तो क्वांटिटी का फॉर्मूला होता है टोटल कटिंग लेंथ इंटू यूनिट वेट, टोटल कटिंग लेंथ मेरा कितना है 884.4 इंटू यूनिट वेट मेरा कितना है 0.882। इसे सॉल्यूशन अगर करेंगे 785.35 kg, तो 12 का रॉड का जो क्वांटिटी निकलेगा, क्वांटिटी ऑफ 12 mm डाया आएगा टोटल इतना kg, ठीक है। ये तो हुआ मेरा फर्स्ट तरीका टोटल कटिंग लेंथ निकालने का, ठीक है। मैं आपको सेकेंड ऑप्शन एक दिखाता हूँ जो बहुत ईजी है, ठीक है, सेकेंड ऑल्टरनेटिव। ये मेरा पाइल था दोस्तों, ठीक है। देखो, अगर स्पाइरल ऐसे ऐसे घूमता है, मैं एक छोटा सा पार्ट काट लेता हूँ, ये एक छोटा सा पार्ट मैं काट लेता हूँ, ठीक है। देखो, इस चीज़ को मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, यहाँ पे, इसमें ये है स्पाइरल मेरा और ये है एक पिच, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक एक टर्न होने में जो लग रहा है वो पिच मेरा और स्पेसिंग, ठीक है। अगर इसको मैं, ये तो मेरा सिलेंडर है, अगर इसको मैं खोल दूं तो देखो ये ऐसा बन जाएगा। सपोज मैं एक दिखाता हूँ, देखो ये है मेरा सिलेंडर, ठीक है,
अगर इस सिलेंडर को मैं खोल दूं तो कैसा आएगा? देखो एक रेक्टेंगल बना ना, वही मैं बनाया हूँ यहाँ रेक्टेंगल, ठीक है? चलो देख लेते हैं। तो इस रेक्टेंगल में ये वाला पोर्शन कौन सा है? देखो ये चीज पिच, ठीक है? अगर इस सिलेंडर को मैं खोलता हूँ पूरा, तो ये जो पार्ट है ये सर्कमफ्रेंस सरफेस का टॉप का, वो आएगा ये वाला पार्ट, देखना। इसी को अगर मोड़ोगे तो यही तो मेरा पार्ट, ये ऐसा सर्कल टाइप बन जाता है। तो ये हुआ सर्कमफ्रेंस, ये हुआ पिच, और ये जो स्पाइरल इसके अंदर बना है ना, ये एक्चुअली कुछ नहीं, ये हाइपोटेन्यूज है। अगर मुझे ये पता है, सर्कमफ्रेंस निकाल लेते हैं, पिच पता है, तो हम हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हैं बहुत ईजी से, ठीक है? सर्कमफ्रेंस मैंने अभी निकाला था, कितना था पिछले वाले सम्स में? 4.4 मीटर, और पिच वहाँ पे कितने थे? 0.1 मीटर, ठीक है? यहाँ से हाइपोटेन्यूज कैसे निकलेगा? होल रूट 4.4 का होल स्क्वायर प्लस 0.1 का होल स्क्वायर, देखना। ये अगर करोगे तो 4.4 आएगा, 4.401 समथिंग ऐसा कुछ आएगा, ठीक है? इतना ये आया मेरा हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज आया मतलब क्या है आपका? ये स्पाइरल का लेंथ आया। स्पाइरल का लेंथ कितना? एक पिच के लिए, मतलब एक स्पेसिंग के लिए जो दिया हुआ है, ठीक है? मतलब फॉर एवरी 100 मिलीमीटर स्पेसिंग द लेंथ ऑफ स्पाइरल इज 4.401 मीटर, ठीक है? एक 100 स्पेसिंग के लिए। तो हम लोग वहाँ पे निकाले थे ना टोटल नंबर ऑफ स्पाइरल्स कितना आया था, देखो टोटल नंबर ऑफ स्पाइरल्स हम लोग निकाले थे 201 नंबर्स, ठीक है? तो हम लोग सिंपल क्या करेंगे, देखो मतलब मेरा कहने का मतलब है, अगर ये लंबा पाइल है तो ये हुआ मेरा एक स्पाइरल, ठीक है? ऐसा कितना है? 201 है, ये एक हुआ, दो, तीन, ऐसे करता जाएगा कंटिन्यू, ऐसे आएगा 201। तो इस लेंथ को अगर 4.401 को अगर 201 से मल्टीप्लाई कर दें, देखना आएगा 884.4 मीटर। ये हुआ मेरा सेकंड अल्टरनेटिव, ठीक है?